नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटो कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है राज सिंटो कुमार। तो दोस्तों, हम देखने वाले हैं आज की 8 इंच का जॉइंट। देखिए दोस्तों, कितना फिटअप हुआ रखा हुआ है, और देखिए दोस्तों इसमें कैसे कैसे क्या क्या हुआ है वो दिखाता हूँ मैं आप लोग को। कैसे कैसे क्या होगा वो नहीं दिखाता हूँ, कैसे कैसे क्या हुआ है वो दिखाने वाला हूँ आप लोग को हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, ये 8 इंच का जॉइंट दोस्तों है, ये पूरा जॉइंट देखिए दोस्तों, 8 इंच जॉइंट सब रखा हुआ है। और दोस्तों मेन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दिखा रहा हूँ आपको मैं जो फिटअप हुआ है रेडी पूरा। देखो दोस्तों 8 इंच का, और फिर दोस्तों लास्ट में 3 इंच का है। देखो दोस्तों एक फ्लांच जॉइंट है, फिर जो है इसमें जॉइंट है रेड्यूसर, तो दोस्तों एक पैप जो उसमें जॉइंट है। और दोस्तों देखिए उसके ऊपर दोस्तों जॉइंट है जो है एक ठो वो इसके अंदर में। देखिए अंदर दोस्तों इसके अंदर में कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अंधेरा दोस्तों हो जाते हो गया इसके, नहीं कुछ दिख रहा है अंदर में दोस्तों। जॉइंट बिल्कुल परफेक्ट है, जॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, सभी दोनों जॉइंट। थोड़ा सा गैप थोड़ा कम दिख रहा है इसमें, पर चलेगा, मुश्किल नहीं। जो वेल्डिंग करेगा वेल्डर वो थोड़ा हल्का सा ग्रेड मशीन डाल देगा तो चलेगा। देखिए दोस्तों इसका लेवल, देखिए दोस्तों इसका लेवल ही बिल्कुल ओके है, थोड़ा सा आउट है पर वो आउट इधर उधर हो जाएगा तो वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों लेवल भी बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब हल्का सा 1.5 mm या 1 mm कोई मैंने नहीं रखता है उतना, चलेगा। क्योंकि फ्लांच है, फ्लांच में 1-2 mm तो खींचता है, 1 mm 2 mm तो खींचता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें उसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है। देखिए दोस्तों मैं इसको पकड़ रखा हूँ। और दोस्तों ये दोस्तों दिख रहा हूँ आपको, ये दोस्तों ये रेड्यूसर है 8 इंच प्लस 3 इंच लगभग होता है दोस्त ये। और ये जो है इसमें पाइप में ये टच है, और यहाँ दोस्तों स्पूल नंबर लिखा हुआ है, जॉइंट नंबर और वेल्डर नंबर लिखा है यहाँ पर, उसके बाद फिटर नंबर, उसके बाद ये जो सब कुछ सेम तो ये यहाँ सब लिखा हुआ है दोनों में, ये भी वहाँ पे भी। यहाँ दोस्तों बेल्ट नंबर डाला जाता है, फिटअप नंबर यहाँ पे सब, उसका स्पूल नंबर डिटेल नंबर सब कुछ दिया जाता है इसके ऊपर, लिखा हुआ है इसका है इसका हर एक चीज़ इसके ऊपर में। और दोस्तों यहाँ पे टी है, सब फ्लांच सब रखा हुआ है एक्स्ट्रा में, उसको चाहिए वो लेके जाएगा। देखिए दोस्तों ये दोस्तों देखिए कितना से दोस्तों पीस दिख रहा है आपको, एक टी में एक पीस जॉइंट किया हुआ है देखिए दोस्तों। और उसके बाद में फिर ये लंबा लेंथ देखिए दोस्तों इसमें जुड़ा हुआ है, एक टो जुड़ा हुआ है पीस, फिर एल्बो, उसके बाद फिर लंबा लेंथ एक तो पीस जुड़ा हुआ है, और उसके बाद दोस्तों आगे में एक तो फ्लांच जुड़ा हुआ है, फिर उसके आगे में एक तो पाइप है, एल्बो है, फिर एक तो पाइप दिया हुआ है। तो दोस्तों पाइप जिसको पीस बोलते हैं वो सेम ही होता है, कोई उसमें अलग अलग नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों ये वीडियो बनाने मेरा ये मेरा मेन कारण था, मतलब मकसद मेरा है कि आप लोग को मालूम पड़े कि पीस कैसा कैसा होता है यहाँ पर, मतलब किस किस क्वालिटी में पीस जॉइंट होता है यहाँ पर। देखिए दोस्तों गर्मी दोस्तों कितना गर्मी हो रहा है, देखिए दोस्तों अभी भी पूरा पसीना पसीना हो रखा है, लगभग शाम के रात के लगभग 8 बज चुका है, 8:30 बज चुका है। तो दोस्तों इतना लेट हो गया है। और यहाँ देखिए दोस्तों एक दोस्तों पीस वेल्डिंग करके रखा हुआ है, रात को उसका आटी हुआ है, और देखिए दोस्तों ये भी दोस्तों यहाँ पीस रखा हुआ है वेल्डिंग करके। दोस्तों अलग अलग डिजाइन दिखेगा आपको, देखिए दोस्तों अलग अलग क्वालिटी अलग अलग डिजाइन दिखेगा। तो दोस्तों ये वीडियो का दोस्तों मेन मेरा मकसद है कि इसमें जो फिटअप जो है वो दिखा दिया मैं आपको, बाकी इसमें कैसा कैसा पीस होता है वो सब दिखाने वाला आप लोग को हमें अभी फिलहाल अभी मैं। देखिए दोस्तों इसका दोस्तों देखिए दोस्तों इसका दोस्तों रोलिंग में पीस है, ये 4 इंच का जो पीस है, जो पाइप दिया हुआ है 4 इंच का रोलिंग में है पीस दोस्तों, ये भी सेम पाइप ये भी है। और दोस्तों ये देखिए इसको देखिए कितना दोस्तों इसमें क्या क्या इसमें जुड़ा हुआ है, एक फ्लांच टी फ्लांच है पीस है, और दोस्तों यहाँ देखिए देखेंगे तो यहाँ से एक फ्लांच, एक पाइप, एक रेड्यूसर, रेड्यूसर 6-8 इंच में से फिर 4 इंच में रेड्यूसर है, फिर एक बन गया रेड्यूसर, फिर एक टी है, फिर पीस है, फिर उसके बाद फिर एक फ्लांच है। और ये देखो दोस्तों ये दोस्तों लूप जैसे होता है, लूप टाइप में बनाया हुआ है ये, ताकि ये लूप जैसा होता है वो। और ये देखिए दोस्तों कितना दोस्तों डिजाइन है ये वाला, देखिए दोस्तों इसमें देखो दोस्तों इसमें दोस्तों 2 इंची है, सॉरी लगता है 3 इंच होता होगा, 3 इंची है, फिर एक रेड्यूसर है, फिर एक पाइप लगा हुआ है, फिर दोस्तों इसमें लंबा पाइप लगा हुआ है, फिर टी फ्लांच, फिर एल्बो, फिर पीस, फिर पाइप, फिर एल्बो, फिर एक पाइप, फिर एक एल्बो, फिर एक पीस, फिर एक एल्बो, फिर एक फ्लांच। तो देखिए इतना दोस्तों इसमें से पीस लगा हुआ है दोस्तों, इसमें सब मैं दिखाने वाला आप लोग को ही दिखाने वाला आप लोगों को हूँ कि कैसा कैसा यहाँ पीस होता है यहाँ पर। और दोस्तों देखिए दोस्तों हर एक दोस्तों पीस का आर्टी हो गया है, देखिए हमें दोस्तों लाइन दिख रहा होगा आपको, जो लाइन दोस्तों दिख रहा है ये सभी लाइन जो है ये आटी का लाइन है, मतलब एक्स्ट्रा जिसका पीस का हुआ है दोस्तों उसका ही सबको ये आटी हुआ है इसके लिए दोस्तों सब है। और ये देखिए दोस्तों इसमें
दोस्तों देखिए दोस्तों ये लंबा लेंथ है, इसको है थोड़ा सा लंबा लेंथ है ये, और दोस्तों ये पूरा बोर्ड है। देखिए दोस्तों पूरा सिस्टम वाइज कितना अच्छा दोस्तों लगा हुआ है, देखिए दोस्तों कितना अच्छा सिस्टम वाइज से लगा हुआ है सब बोर्ड यहाँ पे। तो ओके दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। ओके दोस्तों नमस्कार, फिर अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। ओके दोस्तों देखिए दोस्तों गर्मी कितना हो रहा है इस टाइम, बहुत काफ़ी गर्मी है।